आज सोमवार है ना। आज के दिन ही तो मैं उससे पहली बार मिली थी। लोग कहते हैं पहला प्यार कभी नहीं भूलते, सच है। इतने साल बीत गए लेकिन मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैंने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, कैसे मेरी स्कूटी में तेल ख़त्म हो गया था और मैं उसे धकेलकर पेट्रोल पंप तक ले जा रही थी। किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मामा के घर सत्संग था और कुछ सामान टाइम पे पहुंचाने का जिम्मा माँ ने मुझे दिया था। फिर अचानक ही मैंने देखा कि दूर से साइकिल में सवार एक दुबला पतला सा लड़का मेरी ओर ही आ रहा था। जैसे ही वो मेरे सामने से गुजरा मैंने उससे पूछा, एक्सक्यूज मी। जी वो मैं कह रही थी कि यहाँ आसपास पेट्रोल कहाँ मिलता है। पेट्रोल के लिए तो आपको 2 किलोमीटर और दूर जाना पड़ेगा मैडम। 2 किलोमीटर का नाम सुन के तो मेरे पसीने ही छूट गए। अच्छा सुनिए जी, कहिए। आपके पास तो साइकिल भी है, आप मेरे लिए एक बॉटल पेट्रोल ला देंगे? ठीक है, ला तो दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? कहीं तो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले ना? देखो मुझे कराटे आता है। हाँ एक मिनट। मुझे कराटे आता है का मतलब? मतलब ये कि तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, समझे? मुझे आपके साथ कुछ गलत करना भी नहीं है। तुम चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो क्या आप मुझे फोर्स कर रही हैं कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूं? नहीं, मैं तो बस वार्निंग दे रही थी। हो गया आपका, आप मेरा शर्त सुनेंगी या फिर मैं चला जाऊं? ठीक है, बोलो क्या शर्त है। देखिए, पेट्रोल तो मैं ला दूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तब आजकल जैसा थोड़ी था, मेरे जैसे कंजर्वेटिव परिवार के लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। घर में पापा, भाई और स्कूल में टीचर, बस यही हमारे ज़िंदगी के मुख्य पुरुष किरदार हुआ करते थे। और अगर भाई मेरे भाई की तरह हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला तो बस एक पल के लिए लगा साले के मुंह पे थप्पड़ जड़ दूँ। फिर सोचा ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, तो मैंने हाँ कर दिया। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, 2 मिनट वेट कीजिए, मैं पेट्रोल लेके आ रहा हूँ। हाय, मेरा नाम शिव है। हेलो, आई एम शिवांगी। इस शहर में नया नया आया हूँ, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? उसका नाम शिव और मेरा शिवांगी, अजीब इत्तेफाक है ना? मुझसे उम्र में 2-3 साल छोटा भी लग रहा था। फिर मैंने कहा, आप अपनी किसी हम उम्र से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि आपके पोते भी हैं। जी हाँ, आपकी तुलना में मैं दादी ज़रूर हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मास्टर्स ज्वाइन किया है अभी। देखिए, आपको दोस्ती नहीं करनी तो साफ साफ मना कर दीजिए ना, ये उम्र की बहाने ये सब जाने दीजिए। वैसे आपकी खूबसूरती आपकी उम्र बयां नहीं करती। तारीफ मुझ पे हमेशा काम कर जाती है, लेकिन मैं नहीं मानी। लड़की हूँ भाई, नखरे दिखाने का हक है मुझे। उसकी शर्त को मैंने एक पल में ही तोड़ दिया था और मैं अपने वचन पे कायम भी नहीं हो पाई थी। एक तरह से कहे तो मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया था, लेकिन वो भी ढीठ था, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी थी, लेकिन वो जानता था कि ये मेरी आखिरी ना नहीं बल्कि पहली हाँ है। मैं सड़क के बीचों बीच खड़े उसी खूबसूरत लम्हे में जान गई थी कि उसे सिर्फ दोस्ती चाहिए थी और मुझे प्यार। अरे शिव, तुम? हाँ, तुम शिवांगी हो ना?
देखा, हम लोग फिर मिल गए। हाँ फिर मिल गए, अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक है या जानबूझ के तुम मेरी पीछा कर रही हो? देखो दोस्ती करनी थी तो पहले कह देते, इस तरह पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई साहब यहीं पर रोक दो। देखो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, समझे? ये शिव का बच्चा बिल्कुल पागल है, देखो कैसे मेरी वाली डायलॉग बोल के चला गया। भाई साहब आप खड़े क्यों है? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलिए। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। दीदी ये सम कर दीजिए ना, मुझे नहीं आ रहा है। सुनीता अभी नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़। लगता है ये नहीं मानेगी। कल एक लड़का मिला था। अच्छा फिर? बोल रहा था मुझसे दोस्ती करना चाहता है, और आज रिक्शा में भी मिला था। उल्टा मुझसे कह रहा था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। ओ वाओ, नाम क्या है जीजू का? चुप कर, वो तेरे जीजू कैसे हुए? मारूंगी ना एक थप्पड़। ओ सॉरी सॉरी, आगे बताओ ना क्या हुआ। वो अपना नाम शिव बता रहा था, पर मैंने उससे दोस्ती करने से इनकार कर दिया। ओहो बेचारे का दिल तोड़ दिया आपने। चुप कर, मैथ्स पे ध्यान दे। बेटी चाय। थैंक यू पापा। अच्छा बेटा, दोस्तों से राज छुपाया नहीं करते, ये शिव भाई से वाला मामला क्या है? उफ, मेरी चुगलखोर बहन ना पिटी की मुझसे। फिर मैंने पापा को पूरी कहानी बताई कि कैसे सड़क पे मुझे एक लड़का मिला जो सबसे अलग था, और मुझसे बोला कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं पापा को बता ही नहीं पाई कि मैं मन में कहीं ना कहीं जानती थी कि दोस्ती तो वो चाहता था, मुझे तो उससे पहली नज़र में पहला प्यार हो गया था। बेटी तुम्हें पता था कि मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगा, फिर चलो अच्छा ही हुआ, ये जो दोस्ती का सिलसिला था वो आगे नहीं बढ़ा। आज मकान मालिक आए थे, कह रहे थे कि उनकी बेटी अमेरिका से वापस आ रही है और उन्हें बड़ा घर चाहिए, तो हमें ये घर खाली करना ही होगा। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। हाँ मैं एक जाने पहचाने मोहल्ले और एक अनजाने लड़के को छोड़ के जा रही थी, लेकिन क्यों क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन। रिश्ता तो था नहीं तो टूटने का क्या गम, वो तो दोस्त भी नहीं था, फिर प्यार से बिछड़ जाने का कसक क्यों? प्यार क्या, तुम तो दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी ना शिवांगी। और वो निकम्मा प्यार नहीं सिर्फ दोस्ती करना चाहता था। नया घर हर मायने में अच्छा था, मुझे पहली बार खुद का कमरा मिलने वाला था, पर मैं खुश क्यों नहीं थी। ये लड़का फिर मेरे घर क्यों आया है? मैं तो धीरे धीरे इसे भूल रही थी, और मैं डर क्यों रही हूँ इतना? आज वो मेरे सामने खड़ा था और मैं बताने में भी घबरा रही थी कि मैं यहाँ हूँ, जैसे मैं एक गरीब किसान और वो महाजन जो अपना उधार वापस लेने आया हो। जी जी मेरा नाम शिव है। शिव बेटे आओ अंदर आओ अंदर आओ, बैठो 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 बैठो। अरे बेटा शिव बोलो कैसे हो? बस ठीक हूँ अंकल। ओ अच्छा अच्छा, बेटी शिवांगी। जी पापा। मैं खुद को तैयार कर नीचे चली गई।
जी पापा। अरे बेटी शिवांगी, देखो हमारे घर कौन आया है। हेलो शिवांगी। तो बेटा शिव, और बताओ। ओ हेलो, एक मिनट ना बेटा। हाँ शर्मा जी बोलिए। तो फिर क्या बोलूँ मैं? अगर मुझको चाहता था तो बोलता क्यों नहीं? ये खेल क्यों खेल रहा था? 7 किलोमीटर से साइकिल चला के आया हूँ, पानी तो पूछ लीजिए। ओह सॉरी सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। तो बेटा शिव, बहुत दिनों बाद आए आप शिवांगी से मिलने। अंकल दरअसल मैं शिवांगी से मिलने नहीं आया था, मेरे पापा सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो गए हैं तो कुछ पेंडिंग ड्यूज रह गए थे, तो पापा ने कहा कि आपके घर आके आपसे आपकी फ़ोन नंबर ले लूं। बड़ी ब्यूटी क्वीन समझती हो ना अपने आप को शिवांगी, कि वो तुम्हारे प्यार में खींचा चला आएगा, यही सोचा था ना तुमने? अब लो, वो तो पुराने बिल की बात करने आया था, और मेरे दिल का जो नुकसान हुआ उसका बिल कौन भरेगा? ओके शिव, रुको मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। तो कैसे हो शिव, और पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक ठाक चल रही है। बेटा फोन नंबर। ओह थैंक यू अंकल। अंकल तो मैं अब निकलता हूँ। अरे बेटा चाय तो पी के जाते हैं। नहीं अंकल, फिर कभी। ओके बेटा। बॉक्सिंग में नॉकआउट हो चुके उस खिलाड़ी की तरह जो फिर भी स्पॉटिंग होना चाह रहा था, मैंने उससे कहा बाय शिव। लेकिन बॉक्सिंग का मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, बदतमीज जाते जाते भी मुक्का मारने को तैयार था। मेरे पापा कोई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बने, और ना ही उन्हें तुम्हारे पापा की ये फोन नंबर चाहिए थी। हाय शिवांगी, कैसी हो? यार रश्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। यार शिवांगी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, और कल मुझे ये पता चला कि मेरी परेशानी तू दूर कर सकती है। क्या, कैसे? मुझे ना प्यार हो गया है अपने क्लास के एक लड़के से। अच्छा? हाँ, 6 महीने से उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही, और कल उसको तेरे घर पे देखा था। तू सिर्फ को कब से जानती है? मैंने सोचा वाह बहुत बढ़िया, मेरी पहले से ही उलझी हुई कहानी में बस तुम्हारी उलझन की ही तो कमी थी। ओह हाय शिवांगी। हेलो शिव, मीट माय फ्रेंड रश्मि। और रश्मि, तू तो शिव को बहुत अच्छे से जानती है। बात हम दोनों में हो रही थी और शर्मा रही थी रश्मि, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरी तरफ वो जो मेरा फ्रेंड बनने की माला जप रहा था। एक्चुअली मैं रश्मि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लास्ट ईयर डोला रे डोला में डांस किया था, हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स भी आया था, और मैं ठहरा हिस्ट्री में 0/0। लगता है नोट्स के लिए इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। क्यों शिवांगी? मैं तो गुस्से से लाल हो गई, मन किया कि दोनों का मुंह नोच लूं, और रश्मि को तो देखो हंस हंस के ऐसे शर्मा रही थी जैसे अभी से नई बहू बन गई हो। अच्छा शिवांगी, तुम्हारे वो लड़के वाले कब आ रहे हैं? इस महीने के 32 तारीख को। अरे इसको अचानक से क्या हो गया? अरे शिवांगी रुक रुक, मैं भी आ रही हूँ। बेटी शिवांगी। जी पापा। तुमने हाँ कर दी थी, इसीलिए हमने अग्रवाल साहब से बात आगे बढ़ा ली है। टेबल पे फोटो रखा है, देख लेना। कोई और तो नहीं है ना? नहीं पापा। शिवांगी। जी भैया। इस सैटरडे तुम्हें कुणाल से मिलने जाना है, ठीक है?
अरे हाँ शिवांगी बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, कुणाल का सैटरडे ऑफ रहता है तो तुम जाके एक बार मिल लेना उससे। उसी सैटरडे को मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे थे और उसी के कुछ घंटे बाद मुझे नई परीक्षा देनी थी। और फिर सैटरडे आ गया किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह। हाय शिवांगी, आई एम कुणाल। ओह हेलो। सॉरी थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हुआ। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे कुणाल दिखने में अच्छा था बल्कि गुड लुकिंग था, लेकिन हेलो कहाँ खो गई? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछा, कुछ अपने बारे में बताया। किसी बैंक में अच्छी पोजीशन पे था, अच्छी तनख्वाह भी थी, समझौता ही करना था तो ये अच्छा समझौता था। कौन जाने अगला लड़का कैसा हो, मेरा मन जिद पे खड़ा था। उसने पूछा हाँ या ना। हेलो शिवांगी, तुम कहाँ खो गई फिर? ओ अच्छा सुनो ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है तो बोल सकती हो। उसके इस सवाल का मैं क्या जवाब देती, हाँ या ना। इतने में मैंने वहाँ कुछ देखा, मुझसे 5 मीटर दूर वो था जो मुझे चाहिए था, शिव। मैं कुणाल से बात करते हुए उस लड़के को देख रही थी जो बैठकर अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, और मेरा मन सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था, हाँ या ना। शिवांगी तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और तुम्हारा? एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत अच्छी है, और मेरे माँ बाप को मैं ये बात बता नहीं पाया, और मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे बीच ही रहे और आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। मेरे चेहरे पे अचानक मुस्कुराहट आ गई। उस एक पल में मुझको लगा कि मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि ये ठीक वही शब्द थे जो मैं कुणाल से कहने वाली थी। वो उठा और चलने लगा, और वो मेरा एक फ्रेंड जो कुछ दूर बैठा था उसको तो मेरे वहाँ होने का पता ही नहीं था। मैं कुछ देर बैठी रही, सोचा शिव मुझे देखेगा, कुछ बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उठकर चलने लगी। बॉयफ्रेंड हाँ, इसीलिए तुम्हारे पास दोस्त बनाने का टाइम नहीं था ना। उल्लू कहीं का, कब से जानता था कि मैं कहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार, दिखने में तो बहुत सही लगता है तुम्हारा दोस्त। वैसे मुझसे भी कभी बात कर लिया करो, वरना अंकल को जाके कह दूंगा। नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। चलो वहां बैठ के बात करते हैं। और क्या चल रहा है? उस लड़के को शादी के लिए मिलने आई थी ना? नहीं शादी के लिए नहीं, मम्मी पापा चाहते थे कि एक बार मिल लूँ तो उनका मन रख दिया। तो कैसा लगा? अच्छा था, पर मैं अपने मिस्टर राइट का इंतज़ार कर रही हूँ। वैसे तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे? मैं फकीर आदमी हूँ, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो गए। यानी कि तुम अपने दिल का ठेला लेके गली गली घूम रहे हो, जो चाहे 10 का नोट थमाए और दिल ले ले। तुम लड़के भी ना यार, तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, बात बात पे हमारी कॉम पे क्यों उतर आती हो? क्यों हम जिंदगी को इतना सीरियसली ले? हो तुम लड़कियां ऐसी यार। अब कौन उतर आया है कॉम पे? शुरुआत तुमने की थी। चलो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, मैं और मेरा दोस्त अभी जो मेरे साथ बैठा था ना, हम दोनों मिलकर कॉलेज फेस्टिवल की प्लानिंग कर रहे थे। डांस कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरा डांस पार्टनर कौन है? वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रश्मि। उसकी बात सुन के मेरा ऐसा खून खौल गया था जैसे सोया हुआ कोई वॉल्केनो जाग गया हो। रश्मि शिव के डांस पार्टनर बनने जा रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रश्मि उस लड़के के साथ जिससे मैं प्यार करती हूँ, इसे कहते हैं चांस पे डांस। माना कि उसे पता नहीं था कि मैं शिव से प्यार करती हूँ, माना कि शिव को भी नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, पर फिर भी दोनों को कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना मेरा।
ये तो बदतमीजी है यार। दोस्ती हमसे करना चाहो और डांस उस रश्मि से करो। रश्मि से लाख गुना अच्छा डांस कर लेती हूँ मैं। हारेगा, पक्का हारेगा। करने दो उसे रश्मि के साथ डांस। रश्मि की बच्ची को तो देखो ना, ऐसी शिकायत करूंगी ना अंकल से, रोज शाम आंटी के साथ सत्संग पे नजर आएगी। अरे शिवांगी, क्या हो गया इसको अचानक? आंटी। अरे बेटी तुम? आंटी रश्मि कहाँ है? रश्मि तो ऊपर डांस प्रैक्टिस कर रही है। ओ अच्छा। क्यों बेटी, कुछ काम है? नहीं आंटी, वो बस कुछ नोट्स लेने थे रश्मि से। ऊपर जाके मिल लो एक बार। जी ठीक है आंटी। अरे शिवांगी, रुको रुको। शिवांगी तुम कब आई? वो एक्चुअली डांस का रिहर्सल चल रहा था। तुमको बताया था ना, मैं और शिव एनिमल फंक्शन में हिस्सा ले रहे। डांस कंपटीशन तो बहाना है, तुम तो शिव को चाहती हो ना। इन्हीं लटको झटको ठुमकों से फंसाया है ना तूने शिव को। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, तू गलत सोच रही है। मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसी नहीं थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उस दिन क्या हो गया था। मैं तो ऐसे अपने दुश्मन से भी बात नहीं कर सकती, और वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। क्या प्यार हमें ऐसा बना देता है? मैंने तो सुना था प्यार हमें बेहतर इंसान बनाता है। रश्मि सुनो। बोलो शिवांगी। सॉरी यार, वो पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था। तू शिव को चाहती है ना? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोल, तेरी आंखें बता रही कि तू शिव से प्यार करती है। अगर प्यार करती है तो जाके बोल दे। और ये दोस्ती में सॉरी वरी कहाँ से आ गया? चल अभी मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। हाय, मेरा नाम शिव है। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। वैसे आजकल मैं बहुत बदनाम हो चुका हूँ आप लोग के बीच में। ये शिवांगी ना, आप लोगों को बहुत उल्टा पुल्टा बता रही है मेरे बारे में, उल्लू कहीं की। उसके सामने तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी है वो। आपको तो पता ही होगा हम लोग कैसे मिले थे। मैं और मेरे मम्मी पापा शहर में नए नए आए थे। बड़ी मिन्नतों के बाद उन्होंने मुझे साइकिल खरीद के दिया था, और मैं भी घूमता रहता था। एक दिन मैं साइकिल से सड़क पर जा ही रहा था कि सामने से, आपने तो ये कहानी सुनी होगी ना, एनीवेज आज फिर सुनिए मेरी जुबानी। सामने से स्कूटी को धकेलते हुए एक लड़की आ रही थी, मेरी मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की, नहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मेरा दिल खराब पोएट्री करने लगा था। कौन हो तुम सुंदरी, दिल हुआ उड़न तस्तरी, ये तो दे बता कि भारतीयों को क्या दे तुम्हारा पता। आज क्या है तेरा नाम, हमें भी तो बता दे तेरे छोटे मोटे काम। अरे 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 अरे, स्कूटी में पेट्रोल नहीं था शायद, कहो तो हम ले आए। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसा टपोरी टाइप का इंसान हूँ मैं। वैसे टपोरी तो नहीं हूँ, ज़रा सा आशिक मिजाज हूँ। वैसे वो दिन कोई ऑर्डिनरी दिन जैसा नहीं था, बस थोड़ी सी हिम्मत की और साइकिल रोक दी।
फिर मैंने उससे पूछा, मैं इस शहर में नया नया आया हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है मेरा, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? कितना झूठा, मक्कार और फरीबी किस्म का आदमी हूँ मैं, सफ़ेद झूठ बोल रहा था एक लड़की के सामने। मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी थी। मुझे तो उससे पहली नज़र में पहला प्यार हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था, दिल में प्यार, होंठों पे दोस्ती का झूठा नाटक। छुपाइए मत दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत की यही कहानी है। वैसे तो मैं बड़ा शेर बना फिरता हूँ, लेकिन उस दिन मेरा सिट्टी पिट्टी गुल था, पता चला उसके मुस्टंडे भाई से पिट गया तो। वैसे नहीं डरता मैं किसी के भाई भाई से, लेकिन उसकी ना से ज़रूर डरता हूँ, पहला प्यार जो था मेरा। एक दिन मैंने सोचा आमने सामने कह पाना तो खतरों से खाली नहीं रहेगा, चिट्ठी के पीछे चुपके वार करना ठीक रहेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता था। ये लाइफ का पहला लव लेटर कैसे लिख लेते हो यार तुम लोग? मैं तो कहता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, 25वां भी कैसे लिख लेते हो? ये तो फिजिक्स के एग्जाम से भी टफ है यार। तुम लोग लेटर लिखवाने से पहले मुहूर्त निकलवाते हो क्या? पेन की नीब खींचते हो क्या, या फिर हवा का रुख देखते हो? कुछ तो करते होगे यार, मुझसे नहीं हो पा रहा था। खैर आजकल तो लव लेटर लिखते नहीं, लेकिन उन दिनों लव लेटर लिखने का मामला बड़ा टेढ़ा होता था। लवर होने के लिए कमबख्त राइटर भी होना पड़ता था। खैर मैंने लव लेटर लिखना शुरू कर दिया। डियर शिवांगी, जो दिल में है वो कह नहीं पाऊंगा। हैं? जब कह ही नहीं पाओगे तो ये कागज, ये कलम, ये कॉपी किस लिए ले आए भैया? चिड़िया बनाने के लिए? खड़ो इसे। हाय शिवांगी, कई महीनों से जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था आज इस खत की जुबानी कहना चाह रहा हूँ। काहे भैया, मुशायरे में आए हो? खत की जुबानी कहना चाह रहा हूँ, गधे कहीं के, ये लफ सब के काबिल नहीं आप, खड़ो इसे। प्यारी शिवांगी, हम अपने मौसी को खत लिख रहे हैं क्या? मेरी प्यारी शिवांगी मौसी जी, चरण स्पर्श, फाड़ो इसे। मेरा पारा हाई होते जा रहा था, ये लव के चक्कर में कितना पेपर वेस्ट कर रहा था। बाहर बाइक की आवाज़ आ रही थी, बाई गॉड पापा आ रहे थे। मैंने झट से सबूत मिटाए और कैलकुलस की किताब खोलकर बैठ गया। इस वक्त कैलकुलस भी ना नर्सरी राइम्स जैसा लग रहा था, बहुत ही आसान। उफ, ये प्यार करना तो सिखाया जाना चाहिए स्कूलों में। उस दिन मैं रात भर सो ही नहीं पाया, दिमाग ही नहीं चल रहा था। सुबह जब पापा ऑफिस चले गए, मैं भी कॉलेज की तैयारी कर ही रहा था तो मम्मी अंदर आई। बेटा सिर्फ ये तुम्हारे कहीं जरूरी पेपर तो नहीं, मुझे डस्टबिन में मिला था। मेरे माँ के हाथों में मेरे फटे हुए लव लेटर के टुकड़े थे, मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। बेटा मैं लिखवा दूँ, मुझे यकीन नहीं हुआ। हाँ, फिर माँ और मैं मेरी ज़िंदगी का पहला लव लेटर लिखने बैठ गए। अगर कोई सातवां आसमान होता ना तो मैं सातवें आसमान में था। मेरा पहला लव लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट के महफूज हाथों में था, मेरा पहला प्यार का पहला लव लेटर, मेरे माँ के हाथों लिखा लव लेटर। पापा जल्लाद टाइप है, मम्मी दोस्त टाइप, बैलेंस बना रहता है ना, लेकिन बहुत सही लव लेटर लिखा था मेरी माँ ने। बेटा तेरी माँ ने तो लव लेटर लिखने में PhD हासिल किया है। अच्छा? हाँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको कैसे पता चला कि तुमको शिवांगी से प्यार है? वो एक्चुअली मैं उस वक्त ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं बाद में ये सोचता रहा कि हमको कैसे और कब पता चल जाता है कि हमको किसी से प्यार हो गया। शायद तब जब हम कोई खूबसूरत लम्हा बिताए और सोचे कि काश वो यहाँ होती, जब दिल उदास हो और सब दुश्मन नजर आ रहे हो, जब मन कहे कि रुक जाओ अब चला नहीं जा रहा, तब भी दिल कहे कि काश वो यहाँ होती, शायद यही होता होगा ना प्यार। मिलने की खुशी,
बिछड़ने का गम, इंतज़ार का धीमा धीमा खूबसूरत जहर, ये सब चाहिए था मुझे। मेरी ज़िंदगी में शिवांगी चाहिए थी मुझे। शिव तुम ही हो जी? बढ़िया लिखते हो यार, लव लेटर पढ़ा तुम्हारा। दोस्तों जिंदगी में हर पहली चीज़ हमेशा याद रहती है। पहला प्यार, पहली तनख्वाह, पहला कार और ऐसे ही पहला मुक्का कभी नहीं भूलता। शिवांगी का भाई कोई बॉक्सिंग चैंपियन टाइप रहा होगा, नहीं भी होगा तो उसे ट्राई करना चाहिए। बेकार में वक्त बर्बाद कर रहा अपने बहन की मासूम आशिक की पिटाई करके। उसका दाहिना हाथ मेरे जबड़े पे ऐसा पड़ा जैसे तेंदुलकर छक्का मार रहा हो और मेरा मुंह बीच में आ गया हो। अरे लव लेटर ही तो लिखा था है? तुम्हारे सिस्टर को कोई उठा के ले गए थे क्या? और वो भी कर लेंगे यहाँ, गुस्सा है ना? तेरी ये हिम्मत, आज से मेरी बहन के आसपास भी देखा ना तो बहुत बुरा होगा। इतनी अच्छी लैंग्वेज, अगर तुम एग्जाम में लिखते ना तो पास हो जाते। मैं गर्व से उसे कहने वाला था कि ये लव लेटर मैंने नहीं, मेरी माँ ने लिखा है। मैंने सोचा बात खानदान तक पहुँच जाएगी, फिर पता चला पापा दूसरे गाल पे मुक्का झड़ के ज्योमेट्री ठीक कर दे। तो मैंने सोचा यार इतने अच्छे परिवार में तू कंस जैसा भाई कैसे पैदा हो गया? उसने कहा मैं शिवांगी के आसपास भी ना दिखूँ, जैसे कि वो कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो और हम कोई दंगाई। लव में धारा 144 लगा दिया था कमबख्त ने। इसके बाद मेरी मरम पट्टी हुई और घर में कहा कि मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था। यही वो लम्हा था, मन उदास था और कह रहा था कि काश वो यहाँ होती। अचानक छत की सीढ़ियों से किसी की आने की आहट सुनाई दी। देखा सामने शिवांगी खड़ी थी। माँ कुछ बहाना करके नीचे चली गई। शिवांगी की आंखों में आंसू थे। I'm so sorry, Shiv. आई पास बैठी और मेरा हाथ धीरे से छुआ, फिर हाथ हटा लिया जैसे ऐसा कुछ कर लिया हो जिसका उसको अधिकार ना हो। शिवांगी का हाथ एक पल के लिए मेरे हाथों में था। कितना खूबसूरत होता है ना वो एहसास जब आप किसी से प्यार करते हो और उसकी उंगलियां आपकी उंगलियों को पहली बार छू जाए। काश मैं अपने दिल की बात उसे कह पाता, काश वो अपना सर मेरे सीने में रखती और कहती तुम्हारा खत जो मुझे मिला नहीं फिर भी मैंने उसे पढ़ लिया। शिव क्यों हुआ झगड़ा भैया से? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, I'm so sorry. नहीं, गलती मेरी थी। हाँ उस दिन मेरी गलती थी, पर अरे ये शिवांगी मेरा फ्रेम काट रही है। अब आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी। मैं पागलों की तरह दौड़ती चली आई थी, इतनी फिक्र मुझे कभी किसी की नहीं हुई थी। मैं जिससे प्यार करती थी वो मुंह पे चोट लिए सामने बैठा था और मैं उसे गले से भी नहीं लगा सकती थी। तुमने कुछ खाया? कैसे खाऊं, तुम्हारे उस पहलवान भाई ने मुंह जो तोड़ दिया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद मैंने अपना गला साफ किया और कहा शिवांगी आज मैं जान चुका हूं कि मन की कुछ बातें सोचने के लिए नहीं कहने के लिए होती है। शिवांगी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज से पहले मैंने ये बात कभी किसी लड़की से नहीं कही, कहता भी कैसे, आज से पहले मुझे कभी किसी लड़की से प्यार जो नहीं हुआ। सच तो ये है शिव कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।
और आज से नहीं, जब हम पहली बार मिले थे ना तभी से। बस समझने में वक्त लग गया कि वो एहसास कुछ और नहीं बल्कि प्यार था। शिवांगी, आई लव यू। बस इतनी सी थी हमारी ये प्रेम कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा हो।